गाइस वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक बना बनाया असाइनमेंट एकदम फ्री। तो गाइस जो हमारा आज का असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है हमारा हिंदी ए ई सी सी का। तो गाइस आप खुद जानते हो कि इस असाइनमेंट की मेरे को बहुत डिमांड थी, यानी कि मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी इस असाइनमेंट की। तो मैं आपके लिए ये असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा आज फ्री में। और गाइस हमने ईवीएस हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स और पोल साइंस जैसे सब्जेक्ट और तो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बना दी है असाइनमेंट वाली। तो अगर आपने उन सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट नहीं बनाया है तो आप उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देख के अपने असाइनमेंट बड़ी इजली बना सकते हैं। तो गाइस उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो जाइए गाइस उस वीडियो को देखिए अगर आपका असाइनमेंट नहीं हुआ है उन सब्जेक्ट्स का रेडी, तो आप अपना सब्जेक्ट्स का बना सकते हो। वहाँ पर जाके आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एक एक करके। तो चलते हैं गाइज अपने असाइनमेंट की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो असाइनमेंट की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो देखिए गाइज अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये असाइनमेंट लिखना कैसे है, करना कैसे है। तो देखिए गाइज आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस असाइनमेंट को ऐसे ही उतार लेना है एज इट इज, बस लिख लेना है। बिकॉज हमने जो रूल्स थे सारे सोल की तरफ से जो हमें प्रोवाइड कराए गए थे वो सारे रूल्स हमने फॉलो करें। तो आपको इस असाइनमेंट को ऐसे लिख लेना है, आपको कुछ नहीं करना है इस असाइनमेंट में, बस आपको एज इट इज ऐसे लिख लेना है। बट एक चीज़ चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको चेंजेस बताऊंगा कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। जहाँ पे गाइस हमारे पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे आपको पॉइंट्स को आगे पीछे करके लिख लेना है, इससे ज़्यादा आपको और कुछ चेंजेस नहीं करने। बाकी आपको जो रूल हमने फॉलो करे हैं वही सारे रूल आपको फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना गाइस। और आपको जो अपना आंसर लिखना है वो A4 साइज की शीट पे लिखना पड़ेगा, ये बात तो आप खुद जानते होगे गाइस। तो देखिए मैं आपके लिए आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ PDF को, वो इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि गाइस आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी लिखने में और आप रोक रोक के आराम से वीडियो को और अपना असाइनमेंट लिख सको। तो गाइस आप प्लीज़ मेरे से इस असाइनमेंट की PDF बिल्कुल मत मांगीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं आपको असाइनमेंट की PDF नहीं प्रोवाइड करा सकता। ये बात आप खुद जानते हो कि मैं आपको PDF क्यों प्रोवाइड कराना बंद कर दी। बिकॉज गाइस मैंने शुरू में आपको PDF प्रोवाइड कराई भी थी, बट गाइस आपने उन वीडियोस को बिल्कुल भी वॉच नहीं करा, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन पे जाके PDF डाउनलोड करके अपना असाइनमेंट बना लेते थे और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते थे। तो गाइस मेरी बात समझिए कि मैं आपको PDF प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि गाइस आप खुद जानते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो गाइस आप रोक रोक के वॉच करके पूरी वीडियो तो बना सकते हैं अपना असाइनमेंट और उससे मेरे को वॉच टाइम भी मिलेगा। तो गाइस आप समझिए, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए गाइस। तो आप समझिए मेरी बात, मैं आपको इसलिए ही PDF प्रोवाइड नहीं कराना चाह रहा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, PDF चाहिए आपको और फिर भी कोई दिक्कत है, वीडियो को आप बना के लिख नहीं सकते, तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं Facebook और Instagram पे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको PDF प्रोवाइड करा दूँ। बट गाइस आप मेरे से ज़्यादा मत मांगना, बिकॉज मैं आपको PDF इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, ये बात आप समझ सकते हो मैं क्यों नहीं प्रोवाइड कराऊँगा। तो देखिए गाइस मैं करते रह रहा हूँ आपके लिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहा, ज़्यादा तेज स्क्रॉल नहीं कर रहा, वो इसलिए स्क्रॉल नहीं कर रहा ज़्यादा तेज, बिकॉज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो लिखने में और आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके और पूरा असाइनमेंट नोट डाउन कर लो। और गाइस ये जो हमारा असाइनमेंट है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है और जो वीडियो है हमारी ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आप गाइस आप ये मत बोलिएगा कि आपने सर इतना असाइनमेंट लंबा बना दिया। तो गाइस अगर आपको छोटा लिखना है तो आप इसी में से कट करके लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहता। बट हमने सारे रूल्स फॉलो करे हुए हैं और जितने हमसे वर्ड्स में आंसर मांगा था उतने वर्ड्स में हमने आंसर आपको प्रोवाइड कराया। तो आप ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि हमने आपको बड़े पेजेस में बहुत ज़्यादा पेजेस में असाइनमेंट बना के प्रोवाइड कराया। तो गाइस ये जो हमारा असाइनमेंट है लगभग 19 पेजों में असाइनमेंट है, तो 19 पेज गाइस ज़्यादा नहीं होते, ये बात आप जानते हो, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए 19 पेज बहुत होते हैं और बहुत अच्छे हैं 19 पेज में। तो गाइस हिंदी में लिखना पड़ता है, ये बात आप खुद जानते हो, तो आपको भी लिखना पड़ेगा हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में। और गाइस आप जानते हो इसमें पॉइंट्स वगैरह और फिगर वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब आपको लिखने के लिए इसी से ही स्पेस ज़्यादा घिरा है, इसी से ही जो पेजेस हैं हमारे ज़्यादा फिल हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप इतना ही लिखिएगा, आपको कम नहीं करना, आपको ज़्यादा भी नहीं करना इससे।
क्योंकि गाइस यही हमारी गाइडलाइंस थी जो सोल की तरफ से हमें बताई गई थी, तो यही आपको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना और कुछ नहीं करना, और आपको ये सारे रूल फॉलो करने हैं, जैसे कि हमने हर पेज पे पेज नंबर भी डाला है, नाम रोल नंबर एग्जाम रोल नंबर SOL रोल नंबर ये सब आपको डालना है ऐसे ही। और गाइस आपको और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना, बाकी सब कुछ आपको ऐसे उतार लेना, बस ये जो गाइस मैंने पॉइंट्स लिखवा रखे हैं ये आपको आगे पीछे करके पॉइंट कर लेने हैं और कुछ नहीं करना गाइज, बस आपको ऐसे ही आगे पीछे करके नोट कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए गाइज मैं आपके लिए स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट स्क्रॉल कर दूँ इस वीडियो को और इस PDF को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो आप समझ सकते हो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, बिकॉज गाइज आप खुद वॉच नहीं करते लंबी वीडियो, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरे पास सारी नॉलेज रहती है कि कौन व्यूवर कितना वॉच टाइम कर रहा है, मतलब वॉच आ रहा है वॉच टाइम मेरे पास, तो समझ सकते हो गाइज। तो मैं बनाना तो बिल्कुल नहीं चाहता बट बनानी पड़ रही है मेरे को, बिकॉज गाइज आप मैं छोटी भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको प्रोवाइड कराऊँगा PDF, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं मुझे। तो गाइज आप समझिए मेरे को वॉच टाइम चाहिए, मैं तो इसलिए आपके लिए प्रोवाइड भी करा रहा हूँ और ऐसे जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और गाइज अगर मैं आपके लिए कॉस्ट रख देता PDF की तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप बोलते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो गाइज मैंने इस वजह से कॉस्ट नहीं रखी और कॉस्ट रख के कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे एक PDF कितने ले लेता 50 रुपये, तो गाइज मुझे 50 रुपये की लालच नहीं है, मेरे को बस वॉच टाइम चाहिए था। और ये बात आप क्यों सब जानते हो कि वॉच टाइम क्यों चाहिए होता है एक यूट्यूबर को, क्योंकि गाइज उनके वॉच टाइम से ही उन्हें बेनिफिट होता है यूट्यूबर को। तो गाइज मैं आपसे इतनी मेहनत कर करके आपके लिए ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत तो वॉच टाइम मेरे को दे सकते हो और अपना, और आपको गाइज कुछ वॉच टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना असाइनमेंट बनाना है, वीडियो को पॉज कर करके वॉच टाइम मेरे को ऑटोमेटिक खुद मिल जाना है। तो गाइज आप इनडायरेक्टली अपना ही काम कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे, तो ये बात आप समझिए गाइज, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो, कम से कम 15-16 मिनट की तो वीडियो आप पॉज कर करके असाइनमेंट जो आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो ये बात तो आप खुद जानते हो कि आप बड़े आराम से सारे वीडियो को पॉज कर करके और पूरी असाइनमेंट ऐसी नोट डाउन कर रहे हो फ्री में, और आपको कहीं से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरे साल पढ़ा नहीं होगा, ये बात भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो गाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ा नहीं है आपने पूरे साल, तो गाइज मैं आपको ये सब फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप समझिए गाइज मेरी भी हेल्प थोड़ी करिए गाइज आप। और गाइज मैं आपसे यहाँ पे एक और हेल्प मांगना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं इंस्टा पर और FB पर, और गाइज वो कमेंट भी करते हैं बहुत सारे मेरे को, तो आप इंस्टा और फेसबुक को तो गाइज मैं देख लूँगा, मैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा। तो गाइज अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है उनके क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उनका रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है उनका रिप्लाई करने में, तो आप थोड़ा अगर आपको नॉलेज हो तो आप उन सब के रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, आप रिप्लाई कीजिए, मेरी हेल्प करिए ऐसे इसके थ्रू, तो शायद मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो गाइज प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और मैं जो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी गाइज अगर नॉलेज है तो प्लीज़ उनके डाउट्स क्लियर करिए और सब कुछ मेरी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और देखिए गाइज हम अपने 6 पेज पे आ चुके हैं, इसी टाइप से हमें 19 पेज स्क्रॉल करने हैं, तो गाइज आप ये मत समझिए कि बहुत देर लग जाएगी, अब मैं चाहूँ तो गाइज मैं बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर सकता हूँ, बट आप समझ रहे हो गाइज कि मैं क्यों स्क्रॉल नहीं कर रहा बहुत जल्दी, बिकॉज आप जब पॉज करोगे वीडियो यानी कि रोकोगे तब आपको बहुत दिक्कत होगी, इस वजह से मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहा तेज़ी से, क्योंकि गाइज आपको दिक्कत ना हो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, बिकॉज आपको PDF मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, आप बड़े आराम से पूरी वीडियो वॉच कर लोगे और आपका असाइनमेंट पूरा नोट डाउन हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए गाइज। तो देखिए गाइज जल्दी हम इस पेज को भी फिनिश करने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, तो वहाँ पे भी हम फटाफट ये वीडियो ये जो स्क्रॉल है यानी PDF जो है वो फटाफट स्क्रॉल करके ख़त्म कर देंगे। तो देखिए गाइज हम अपने 7th पेज पे आ गए हैं और 7th पेज का भी रूल आपको ऐसे ही फॉलो करना है और सब कुछ एज इट इज़ उतार लेना, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं लिखना। तो गाइज आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, तो आप बिल्कुल समझ रहे होगे ये सारी बातें, बिकॉज आप इतने समझदार तो हो। और गाइज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी हैं सोल की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गाइडलाइंस हमने सारी फॉलो करी हुई हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी रूल नहीं पढ़े सोल के और आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत है, नहीं गाइज आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ सब कुछ उतार सकते हो, तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये बात आप खुद जानते हो। तो गाइज पूरा असाइनमेंट जो है मैंने वो आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया, तो देखिए यहाँ पे फिगर वगैरह के थ्रू भी हमारे जो पेज हैं वो इस वजह से ही ज़्यादा बने हैं जो हिंदी असाइनमेंट के,
और मेरे को भी लगता है गाइज ये जो हमारा हिंदी का असाइनमेंट है इसमें हमने सबसे ज़्यादा लिखा 19 पेज का, अभी तक हमने कोई सा भी असाइनमेंट नहीं बनाया। तो गाइज समझिए आप हिंदी लैंग्वेज है इसमें लिखना पड़ता है ज़्यादा। तो देखिए हम बहुत जल्द 8 पेज पे आ गए अपने, तो 8 पेज के साथ साथ हम डायरेक्ट 9 पेज की भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, और ऐसे ही कर करके हम अपने 19 पेज को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। आपको बस बड़ा लग रहा है बट है नहीं गाइज, जब आप नोट डाउन करने बैठोगे तो आपका मुश्किल से ये 5-6 घंटे में पूरा नोट डाउन हो जाएगा। बिकॉज गाइज मेरे को तो बहुत दिन लगे इसको करने में, बहुत दिन नहीं कह सकते बट फिर भी गाइज मेहनत तो लगी, बिकॉज मैंने आपके लिए आंसर ढूंढे, आपके लिए प्रोवाइड कराया सब कुछ, और मैंने पहले पढ़ा इस चीज़ के बारे में और फिर अपने पास से बना के लिखा ये सब चीज़ें। तो गाइज आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो सब कुछ, बिकॉज आपकी मेहनत नहीं लग रही है गाइज, मेहनत सारी मैं कर चुका हूँ, आपको बस नोट डाउन करना। तो आप गाइज इतनी मेहनत तो कर सकते हो कि आप वीडियो पॉज कर करके बड़े आराम से नोट डाउन कर लो। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि गाइज आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना पूरा, और मेरे से PDF बिल्कुल मत मांगना गाइज, क्योंकि अगर आपने PDF मांगनी शुरू कर दे तो गाइज मेरे को अगली बार से PDF पे कॉस्ट रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे आपसे PDF के बदले पैसे लेने पड़ेंगे। तो गाइज मैं ये नहीं चाहता कि आपसे मैं PDF के बदले पैसे लाऊं, बिकॉज गाइज मैं नहीं चाहता मैं आपसे शिक्षा के बदले पैसे लूं, बिकॉज आप खुद जानते हो कि शिक्षा कितनी बड़ी चीज़ है और उसे बांटना उससे भी अच्छा काम होता है। तो गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कीजिए, बट गाइज आप बिल्कुल भी PDF मत मांगिए मेरे से, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं PDF आपके लिए क्यों बोल रहा हूँ, कि PDF मत मांगिए। और गाइज देखिए हमें जो लास्ट पेज मतलब जो हमारे सारे पेजेस हैं इनके एंड में बॉटम पे सिग्नेचर भी करना है, बट हमने यहाँ पे सिग्नेचर करे नहीं है, तो आप कर लीजिएगा गाइज। तो बॉटम पे आपको हर पेज के लास्ट में बॉटम पे सिग्नेचर करना है। तो गाइज आप ये सब बात समझ चुके होंगे कि आपको सिग्नेचर क्यों करना है, क्योंकि गाइज ये हमारा असाइनमेंट का रूल है जो हमें SOL की तरफ से प्रोवाइड कराया गया था, तो उन्होंने ही हमें बताया था, मतलब उसमें ही लिखा था नोटिस में कि हमें हर पेज के लास्ट में बॉटम पे सिग्नेचर करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। तो और जो गाइस पेज नंबर वगैरह जो अदर डिटेल्स थी वो हमें अपने पेज के टॉप पे करनी थी, जैसे कि हमने सारे असाइनमेंट में करके दिखाई भी और इस असाइनमेंट में भी करके दिखाई है। तो ये आप ये सब ऐसी चीज़ें लिख लेना, और गाइस देखिए जैसे ये पॉइंट लिखे हैं ना संचार के स्रोत, तो ये सारे आप आगे पीछे करके लिख लीजिएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप सारे पॉइंट आगे पीछे करके लिख सकते हो, और इससे टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे भी लगेगा कि सारा सेम नहीं है, सब अलग अलग है, कुछ लोगों ने अपने पास से करा, तो वैसे तो गाइज कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं। फिर भी गाइज आप बिल्कुल देख के चलिए और आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते चलिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और आप बड़े आराम से सब कुछ पूरा असाइनमेंट बना लोगे और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ये बात तो आप खुद समझते हो कि आपको दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको बना बनाया असाइनमेंट मिल रहा है गाइज। और गाइज मैं एक और बात कह दूं कि आप जो मतलब कुछ असाइनमेंट में आप गलती निकाल रहे हो, जैसे कि हिंदी का हमने जो पहले असाइनमेंट बनाया था उसमें आप एक कहते हो कि क्वेश्चन सर ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, तो गाइज मैं आपको ये बात बता दूं आपका हिंदी कोई और हो सकता है, और कोई सा हिंदी सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत हिंदी बहुत टाइप की है। तो गाइज आप ये मत कीजिए कि वो गलत है, वो बहुत सिर्फ आपने कुछ ही स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा है कि सर हमारे में ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलत है, आप कहाँ से ले आए हो। तो गाइस समझिए कि आपके पास हिंदी दूसरी हो गई, एक सेम है एक सेम नहीं है, तो क्या पता वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों असाइनमेंट में सेम हो बट दूसरा जो क्वेश्चन है वो किसी और का हो, तो आप समझिए गाइस आपके पास कोई और होगा। और फिर भी गाइस अगर आप कुछ दिक्कत है तो गाइस दूसरे जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप खुद भी तो लिख सकते हो, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो। जब मैंने एक क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से प्रोवाइड करा दिया उसमें, और आपको लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन गलत है, तो आप गाइज थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ के लिख सकते हो, उसमें से ही पढ़ के लिख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाइज मैं एक और बात बताऊं कि आप जो छोटी छोटी गलतियां जैसे देखते हो ना कुछ, आप कहते हो कि सर ये क्या है वो क्या है, तो गाइज मैं एक बात बता दूं, ये असाइनमेंट मैं खुद नहीं बनाता, मैं अपने स्टूडेंट से ही बनवाता हूं और उन्हें गाइड मैं करता हूं। तो गाइज समझिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भगवान तो है नहीं और मैं भी भगवान नहीं हूं, तो छोटी मोटी गलती गाइज हो ही जाती है, और अगर गाइज हम गलतियां नहीं करेंगे तो जो टीचर है वो जब चेक करेगा तो आप खुद जानते हो, तो टीचर खुद समझ जाएगा कि ये तो कॉपी पेस्ट करा हुआ, बिकॉज कॉपी पेस्ट में ही गलती नहीं होती, ये बात आप खुद जानते हो। तो समझिए गाइज मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि छोटी मोटी गलती हो तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए और एज इट इज़ लिख लीजिएगा, और अगर आपको ठीक करके लिखना तो ठीक करके भी लिख लीजिएगा, बट आप कमेंट में ऐसे डाउट करते हो मतलब डाउट्स पूछते हो मेरे से, तो गाइज आप इतने समझदार तो हो कि आपको छोटे मोटे डाउट्स पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे भी खुद ठीक कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात तो होने वाली नहीं उस चीज़ से, आप बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ जानते हो। फिर भी गाइज आप एक एक चीज़ बोलते हो कि सर इसमें ये गलत है उसमें वो गलत है, तो गाइज समझिए कि हम भगवान नहीं है, और भगवान होते
तभी तो चेक करते हैं हर एक चीज। हम भगवान नहीं है, भगवान नहीं है हम तो गाइस, समझी। और गाइस आपके कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या किसी अदर चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइस आप मुझे पर्सनली फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करते हैं और मेरे से अपने डाउट क्लियर करते हैं, तो मैं वहाँ पे भी उनके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो आप भी मेरे को मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बट गाइज मैं आपको यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि गाइज जो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई लेट करता हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई लेट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए, या जो भी है आप जो भी समझते हो। तो गाइज समझिए कि मैं आपके लिए इतने सारे असाइनमेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं पहले 2 दिन में एक वीडियो डालता था यूट्यूब पे, अब मैं रोज़ की 2 से 3 वीडियो डाल रहा हूँ। तो समझिए गाइज मैं आपके लिए दुगनी मेहनत कर रहा हूँ असाइनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप समझिए बिल्कुल कि मैं आपके रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा, करता ज़रूर हूँ मैं आपके रिप्लाई, ये बात आप खुद जानते हो, बट लेट करता हूँ। तो समझिए गाइज मेरे पास टाइम होगा तभी तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वैसे हमारी जो असाइनमेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात आप खुद जानते हो, बिकॉज आपको ही असाइनमेंट चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए गाइज। तो समझिए गाइज आप मैं क्यों रिप्लाई आपके लेट करता हूँ, तो बस आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। और आप प्लीज़ ऐसे मेरे को मैसेज मत करिएगा कि सर आप इतना लेट कर रहे हो, ये कर रहे हो सर रिप्लाई में, ये वो ऐसे वैसे। तो समझिए गाइज मैं आपके लेट रिप्लाई क्यों करता हूँ। तो देखिए गाइज हम अपने 12th पेज पे आ चुके हैं और 12th से हम बहुत जल्दी 19th पेज पे पहुँच जाएंगे और हमारा असाइनमेंट जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए गाइज मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करने की, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप बोल दीजिएगा मेरे से, कि जैसे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो मैं शायद उसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूँ, शायद आपको प्रोवाइड करा दूँ PDF, ताकि जो आपको मिस्टेक हुई है, जो मेरे स्क्रॉल करने में ज़्यादा देरी मतलब जल्दी हो गई हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगा गाइस कि आपको सब प्रोवाइड करा दूँ, वो PDF वगैरह सब दे दूँ। तो गाइस समझिए बस आप, और आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना। बस गाइस देखिए ये जो पॉइंट्स लिख के, जैसे पॉइंट नंबर 2, 3, तो बस आपको इसे आगे पीछे करके लिख लेना, जैसे कि मैंने आपको आगे भी समझाया। और आप गाइस ये जो हमने स्पेस छोड़ा ना नीचे पेजेस के, तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर करने हैं हर बॉटम में अपने पेजेस के, तो आपको भी यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ। तो आप समझिए, देखिए गाइज हमारे जो 12th पेज के जो एंड था वो हो चुका है, अब हमारे 13th पेज की शुरुआत हो चुकी है, और 13th पेज में भी हमने बहुत से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे 13th पेज की भी शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे पॉइंट्स हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे भी, इसे भी आपको आगे पीछे करके लिख लेना है। पॉइंट्स गाइज पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें आगे पीछे करके लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती, ये बात आप खुद जानते हो, बिकॉज सब पॉइंट्स आगे पीछे कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स की बातें जो होती हैं बिल्कुल अलग होती है, कोई आगे पीछे नहीं कर सकते। तो गाइज आप पॉइंट्स को बेफिक्र होकर रहिए, पॉइंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो, बट जो पैराग्राफ होता है आप उसे आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक जो सेंटेंस होता है, हर एक जो लाइन होती है, वो एक दूसरे से मिली जुली होती है, कोऑर्डिनेट होती है, ये बात आप खुद जानते, तो उसे हम आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आप पॉइंट्स हैं इन्हें आगे पीछे करके लिख लीजिएगा, और पैराग्राफ को तो आप बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ये बात आप जानते हो। और गाइज जो पॉइंट वाइज जो आंसर होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ये बात आप खुद जानते हो, क्यों? क्योंकि गाइज टीचर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके पॉइंट्स वगैरह देखता है और आपको मार्क्स दे देता है, और पॉइंट्स वो देखेगा अगर आपके ठीक है तो आपको डायरेक्ट वो मार्क्स दे देगा, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेगा, और वो आपको असाइनमेंट पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, बस पॉइंट पॉइंट देख के आपके मार्क्स दे देगा। तो पॉइंट जहाँ तक है गाइज ये सारे ठीक हैं, और आप पढ़ के भी देख लीजिएगा और आपको सब ठीक ही लगेगा, बिकॉज गाइज मैंने सारी नॉलेज बटोर के ये सारा जो असाइनमेंट है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, और आप बहुत डिमांड कर रहे थे इस असाइनमेंट की, तो मैं आज आपके लिए ले ही आया हूँ एंड में। और आप गाइज आपको कोई भी और असाइनमेंट के डिमांड हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके डिमांड के बेस पे ही उस असाइनमेंट को सबसे ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ, जिस असाइनमेंट के लिए आप मेरे को रिक्वायरमेंट करते हो, कमेंट करते हो। तो गाइज समझिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जिसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, जिस असाइनमेंट के, जिस सब्जेक्ट की आप डिमांड ज़्यादा करोगे, मैं उसके ही असाइनमेंट सबसे पहले लाऊंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके सबके रिप्लाई भी करता हूँ, ये बात आप खुद जानते हो। और गाइज मैंने आपको ये बात तो बता दिया, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हो कि आप दूसरों के जो रिप्लाई हैं वो कर सकते हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और गाइज प्लीज़ कमेंट में कुछ गलत वलत मत लिखिएगा, जैसे कि कुछ अभी स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा था, बट मैंने उनकी कमेंट रिमूव कर दी शायद किसी के देखने से पहले ही, तो आप समझिए
आप ये जो फालतू चीज़ें लिखते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है, आप बहुत गंदे काम कर रहे हो, तो आप समझिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए ऐसे सोशल वेबसाइट पे, ये बहुत गलत चीज़ होती है, इस पर सभी लोगों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए गाइज मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए 15 पेज पे आ गए और हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी बनती जा रही है और मैं नहीं चाहता ये इतनी लंबी बने, बिकॉज गाइज आप वीडियो का टाइमिंग देख के ही उसको देखना पसंद नहीं करोगे, तो देखें मैं हम थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइज मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आपके लिए, और गाइज कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा प्लीज़, आप ऐसे मत बोलिएगा कि सर PDF प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि गाइज मैं खुद जानता हूँ, इतना तो मेरे को खुद अंदाज़ा है कि मैं इतने अच्छे से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा और सब कुछ पता लग जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। देखिए हम अपने 16 पेज पे आ गए हैं बहुत जल्दी, और इसी टाइप से हम अपने 19 पेज पे भी बस तुरंत पहुँचने वाले हैं। मैं आपके लिए थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि गाइज हमें ये वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म करनी है, बिकॉज ये बहुत लंबी भी बनती जा रही है और मैं नहीं चाहता ये सबसे लंबी वीडियो बन के आए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसे वॉच टाइम बिल्कुल भी ना मिले मिले और ये वायरल बिल्कुल भी ना, और आपको इससे बेनिफिट बिल्कुल भी ना हो। तो गाइज मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज गाइज आप खुद जानते हो कि COVID-19 के टाइम पे बहुत से लोग गांव वगैरह में फंसे हुए हैं, तो गाइज उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए, तो गाइज आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, और ये वीडियो उन लोगों तक जब पहुँचेगी तो वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे और फ़ायदा उनको भी मिलेगा। तो गाइज किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात तो आप खुद जानते हो, और हमारे भारत देश का भी कल्चर ऐसा है कि हमारा भारत देश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, यहाँ सबको एक समान माना जाता है, तो ये आप बात खुद जानते हो, तो आप प्लीज़ इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और गाइज एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए, बिकॉज गाइज मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो गाइज आप जितनी लाइक करोगे मैं उतना मोटिवेट हूँगा और उतनी जल्दी आपके लिए इतनी यूज़फुल वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, बिकॉज गाइज आपको मैंने बता दिया कि मैं आपकी जो लाइक है उससे मोटिवेट होता हूँ, तो गाइस समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। तो देखिए गाइस हमारा जो 18 पेज है इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मैं इसे भी फटाफट स्क्रॉल कर देता हूँ और डायरेक्ट हम चलते हैं फिर धीरे धीरे करके अपने 19 पेज के और, यानी कि जो हमारा लास्ट पेज है उसकी ओर। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि आप ये मत समझिएगा कि वीडियो बनाना बहुत आसान चीज़ है, नहीं गाइज ये बात आप खुद जानते हो, वीडियो बनाना बहुत कठिन चीज़ है, जब आप बनाने बैठोगे तो आप खुद समझ जाओगे कितनी कठिन चीज़ है वीडियो बना, तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड नहीं करा रहा गाइज, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको, पहले एडिट करनी पड़ती है, कॉन्टेंट लिखना पड़ता है आपको, और भी बहुत से काम है, एडिट करनी पड़ेगी, शूट करनी पड़ेगी, कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा, और फिर पोस्टिंग में भी टाइम लगता है गाइज, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वीडियो को लेकर जो इसमें आपको टाइम लगता है, तो गाइस समझिए मैं आपको जो इतना लेट करा रहा हूँ वीडियो प्रोवाइड, जो आप जल्दी जल्दी करते रहते हो मेरे से कमेंट में, तो ये इस वजह से ही थोड़ी देर हो रही है गाइस, तो बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको लास्ट डेट से पहले सब कुछ प्रोवाइड करा दूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लास्ट जो डेट है हमारी असाइनमेंट की उससे कम से कम 5 से 6 दिन पहले सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूँ। तो देखिए गाइज हमारा 19th पेज आ गया और यहीं पे हमारा जो असाइनमेंट है यहीं फिनिश होता है, तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारा असाइनमेंट फिनिश हो गया, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर।